हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर फर्स्ट ऑफ फरवरी 2022 थाउजेंड एक फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और मैं आपसे एक, एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि बीच में हमारी टाइमिंग जो थी न्यूज़पेपर एनालिसिस की थोड़ा ऊपर नीचे हो रही थी बट नाउ आई प्रॉमिस यू दैट यू विल गेट द वीडियोस बाय 8:30 8:30 तक आपको ये सारे वीडियोस मिल जाया करेंगे ना 8 टू 8:30 8 एट से आठ तीस के बीच में ये वीडियोस आपको रोज़ अवेलेबल रहा करेंगे उससे पहले भी मैं कर सकता हूँ लेकिन इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा दैट इज़ माय पर्सनल प्रॉमिस और आई होप यू पीपल विल लाइक द कंटेंट क्योंकि आप लोग शर्माते बहुत है ना तो वो शर्म, शर्म आपको थोड़ा छोड़नी पड़ेगी है ना जिसने लाई शर्म उसके फूटे कर्म है ना तो इसलिए थोड़ा शर्म छोड़ करके आप वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे का पूरा समरी बना दिया है टेम्स आई एस स्टैटिक पे तो उस चैनल पे जाकर के आप उस समरी को देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक दी है सबसे पहले आज के एनालिसिस में क्वेश्चन देखेंगे आज के जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है तीन स्टेटमेंट आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है पहला स्टेटमेंट कह रहा है आर्टिकल थ्री फोर्टी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टन प्रिवलेजेस एंड कंसेशन टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रेसिडेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एंट्री इन द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड 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 ओनली या क्वेश्चन नंबर इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विद रिस्पेक्ट टू सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द हाउस ठीक है ना स्पीकर जो लोकसभा का होता है सस्पेंशन के रिगार्डिंग उसके क्या पावर्स हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड इन प्रॉपर मैनर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इम्पावर्ड टू फोर्स अ मेंबर टू विद्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे और टू प्ले प्लेस हिम और हर अंडर सस्पेंशन यानी कि स्पीकर के लोकसभा के स्पीकर के पास पावर होती है कि वो किसी मेंबर को फोर्स कर सकता है टू विदड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे और टू प्लेस हिम और हर अंडर द सस्पेंशन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्पीकर हैज द अथॉरिटी फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन स्पीकर के पास अथॉरिटी है फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सिमिलर फंक्शन इन राज्यसभा इज कैरीड आउट बाय डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट तीसरा सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल अब इंटर स्टेट काउंसिल की रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है पहला है द इंटर स्टेट काउंसिल इज परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दूसरा है इट वाज फॉर्म बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन तीसरा है इट इज हेडेड बाई यूनियन होम मिनिस्टर तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है टू ओनली वन एंड टू ओनली वन टू एंड थ्री या टू एंड थ्री आंसर्स मैं आपको एक, एक करके बता देता हूं लेकिन आई होप आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करेंगे तो जैसा पहला सवाल है कि आर्टिकल थ्री फोर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन प्रिविलेजेस एंड कंसेशन टू द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो पहला तो सही हो गया दूसरा है प्रेसिडेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एंट्री इन द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट ये गलत है क्योंकि ये पावर पार्लियामेंट के पास है सो पार्लियामेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया एंड तीसरा जो है वो भी गलत है क्योंकि जो रिजर्वेशन है केवल लोकसभा में राज्यसभा में तो है नहीं दो तो तो टू एंड थ्री विल बी द इनकरेक्ट वन दूसरा सवाल मैंने पूछा था स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग तो देखो पहला स्टेटमेंट आप लोग को आई होप पता होना चाहिए अगर नहीं पता तो याद रखेगा कि स्पीकर के पास एक पावर है कि ही कैन फोर्स द मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो सस्पेंड भी कर सकता है ठीक है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है पहला है ना दूसरा स्टेटमेंट यहां पे गलत है प्रेसिडेंट स्पीकर वाली ये स्टेटमेंट एंड तीसरा स्टेटमेंट जो है सिमिलर फंक्शन ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ना क्यों क्योंकि राज्यसभा में ऐसी कोई पावर नहीं होती है तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं देखो स्पीकर इज एम्पावर टू प्लेस अ मेंबर अंडर सस्पेंशन बट द अथॉरिटी ऑफ रिवोकेशन इज नॉट वेस्टेड इन हर मतलब कि सस्पेंड करने की पावर तो है लेकिन सस्पेंशन को रिवोक करने का पावर उसके पास नहीं है क्योंकि वो मोशन पे ही रिवोक कर सकता है और जैसे कि लोकसभा में पावर है वैसी राज्यसभा में पावर नहीं है ठीक है ना तीसरा सवाल मैंने इंटर स्टेट काउंसिल का पूछा था पहला स्टेटमेंट देखो गलत है क्यों क्योंकि ये परमानेंट नहीं है नॉन परमानेंट बॉडी इट्स अ नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल जरूर है लेकिन नॉन परमानेंट बॉडी है इंटर स्टेट काउंसिल और ये आर्टिकल टू में इसके प्रोविजन है एंड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसको बनाया गया था नाइनटीन में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन <coughs> आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है तो मेन्स क्वेश्चन ऑफ़ द डे की तरफ आते हैं आज का जो मेन क्वेश्चन ऑफ द डे है ये है व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड ऑफ एयर इंडिया अभी आप सबको पता है कि एयर इंडिया को टाटा सन्स ने ले लिया ना? है ना टाटा सन्स की कंपनी है टैलेस नाम की जिसने उसको ले लिया है तो आपको बताने की वॉट आर द चैलेंजेस अहेड मतलब क्या चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ेंगे टाटा एयरलाइन को दोबारा से एक सुप्रीम एयरलाइन बनाने में वॉट आर द चैलेंजेस एंड किस तरीके से कोप अप करेगा टाटा एयरलाइन इन ऑर्डर टू कोप अप विद दैट चैलेंज ऑफ मेकिंग एयर इंडिया सुप्रीम अगेन है ना एयर इंडिया को सुप्रीम बनाने के क्या क्या चैलेंजेस हैं आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में अब यहां पर हम बात करेंगे आज मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन का और रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे ठीक है ना तो यहां पे बेसिकली पहले तो दो मॉनेटरी पॉलिसीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक है लूज मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है बेसिकली जब आरबीआई को इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट करनी होती याद है याद रखेगा दोनों चीजों में डिफरेंस याद रखेगा मी टेल यू द डिफरेंस दैट टू टाइप्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी एक होती है लूज मनी पॉलिसी द लूज मनी पॉलिसी इन अनदर वन इज द टाइट मॉनिटरी पॉलिसी लूज मॉनिटरी पॉलिसी इज फॉर बूस्टिंग द ग्रोथ लूज monetary पॉलिसी for फॉर बूस्टिंग द ग्रोथ एंड टाइट मॉनिटरी पॉलिसी इज फॉर कर्बिंग द इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए कम करने के लिए ठीक है ना तो लूज monetary पॉलिसी किस तरीके से होती है दो तरीके से होती है लूज monetary पॉलिसी याद रखिएगा लूज मॉनिटरी पॉलिसी अगेन फ्रॉम टू वेज लूज monetary पॉलिसी uh, uh, दो तरीके से एक तो है कि आरबीआई मार्केट में खुद खुद पैसा इन्फ्यूज़ करे आर मार्केट में खुद पैसा इन्फ्यूज़ करे या फिर आर अपना जो रेपो रेट है ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दे आर सपोज इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो भी ये दोनों चीजें होती है तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी इन दो तरीके से होती है या तो आर मार्केट में पैसा इन्फ्यूज कर दे या फिर आर जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दे ठीक है ना कुल मिलाकर के जब लूज मनी पॉलिसी होती है लूज मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो मार्केट में पैसा बढ़ता है मार्केट में पैसा बढ़ता है और तभी आपकी ग्रोथ होगी तभी आपका कंजम्पशन होगा और जब इन्फ्लेशन से लड़ना होगा तो मार्केट से पैसा कम किया जाएगा और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अब ये रिवर्स रेपो क्या होता है आपको रेपो रेट तो पता है ना रेपो रेट मतलब कि जिस रेट से बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेते हैं रिवर्स रेपो उल्टा होता है कई बार क्या होता है बैंक जो है वो बाहर लोन देना पसंद नहीं करते कई बार क्या होता है ऐसी कंडीशन में है कि बैंक जो है वो बाहर जो लोन लेने वाले या जेन्य सपोज करो कोई लेने वाला होगा तो उसको उसको लोन नहीं देंगे और क्या करेंगे दे विल प्रीफर पार्किंग द मनी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो वो क्या प्रीफर करते हैं पार्किंग द मनी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पार्क करने का जो इंटरेस्ट रेट

सपोज करो रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है इसका मतलब है कि आरबीआई के पास पैसा रखना जो है वो मतलब ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा ऑब्वियस बात है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा इसको ज्यादा मिलेगा बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा है ना तो कई बार जब इस तरह से करेक्शन किया जाता है ना मार्केट का करेक्शन जब रिवर्स रेपो रेट के थ्रू किया जाए तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन याद रखेगा मार्केट का करेक्शन जब रिवर्स रेपो रेट के थ्रू किया जाए तो वो क्या कहलाता है रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अब सर्वे पेक्स ग्रोथ एट 8 टू 8.5 परसेंट इन 2022-23 याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे कल रिलीज कर दिया गया जिसमें जो ग्रोथ है 2022-23 में वो 8 टू एट परसेंट रखी गई है 8 टू एट टू एट परसेंट रखी गई है ठीक है ना याद रखिएगा 8 से 8.5 परसेंट के बीच में कहा गया है इसके अलावा इस बार कोई शेप नहीं बताया गया जैसे हर बार रहता था कि भैया वी शेप्ड है कि के शेप्ड है कि डब्ल्यू शेप्ड है तो यहाँ इस बार जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होगा ये कहना है कि डब्ल्यू शेप के आसपास है लेकिन आप अपना जो भी प्रेफरेबल शेप है आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए कि इसको जो ऑथर करता है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है ठीक है ना कौन करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको ऑथर करता है और इसको प्रेजेंट करने का काम फिनेंस मिनिस्टर का है पार्लियामेंट के सामने तो पार्लियामेंट के सामने इसको प्रेजेंट करने का काम किसका है फाइनेंस uh, मिनिस्टर का ही है ठीक है अब इस बार जो इकोनॉमिक uh, सर्वे था उसमें जो ग्रोथ बताई गई वो एट टू एट पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास बताई गई है और इसके पहले तो आप सबको तो पता ही कि डिप हुआ था है ना और इस साल का जो रियल uh, टर्म में जो जीडीपी का ग्रोथ है वो नाइन पॉइंट टू बताया गया कि करंट फाइनेंशियल में नाइन पॉइंट टू है और नेक्स्ट जो फाइनेंशियल हमारा होगा बाईस तेईस वाला उसमें हमको एट टू एट की ग्रोथ देखने को मिलेगी ठीक है ना इसके पिछले और पिछले अगर जाएंगे तो हमको माइनस सेवन पॉइंट टू परसेंट के आसपास का हमको डिक्रीज देखने को मिला था ठीक है ना इसके अलावा सर्वे ने बहुत सारी चीजें बताई जैसे कि जो हमारा वो है फ़ॉरेक्स रिजर्व है फॉर रिजर्व हमारा 600 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया तो दैट हैज़ इंक्रीज अलाट सिक्स थर्टी बिलियन डॉलर के आसपास हो गया तो वहां पे भी हमको बढ़त देखने को मिली है एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट कांस्टेंट या बढ़ता हुआ ही दिखा है क्योंकि पैंडेमिक uh, का कहा गया कि जो सबसे कम इम्पैक्ट जिस सेक्टर में पड़ा है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर था इसके अलावा जो हमारा सबसे ज़्यादा हिट हुआ है पैंडेमिक में जो सेक्टर है वो है ह्यूमन एसोसिएटेड सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर वॉज द वर्स्ट एफेक्टेड सेक्टर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एग्रीकल्चर सबसे कम

जाएगी एक तो रेजिलियंट बनाना इकॉनमी को रेजिलियंट बनाना किसी भी तरीके के को ये फेस कर सके, उसको और दूसरा बिल्डिंग और बिल्डिंग अलग अलग चीजें लाएंगे, लाएंगे कुछ भी लाएंगे प्रोसेस रिफॉर्म, प्रोसेस रिफॉर्म लेकर आएंगे प्रोसेस रिफॉर्म मतलब कि जो प्रोसेस है उसको स्मूद करेंगे जहां पर भी गवर्नमेंट फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहा है या गवर्नमेंट जहां पर भी फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहा है वहां पर प्रोसेस को स्मूथ किया जाएगा वहां पे ईज लाई जाएगी सो दैट इज द प्रोसेस रिफॉर्म एंड सेकंड मेथड वन अनदर मेथड इज डी रेगुलेशन दोनों का यूज़ करेंगे डी रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि वेयर एवर वेयर एवर द गवर्नमेंट नीड नॉट टू बी प्रेजेंट वहां पे गवर्नमेंट अपनी प्रेजेंस हटा देगा जहां पे भी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है वहां पे गवर्नमेंट अपने आप को रिमूव कर लेगा बट जहां पे गवर्नमेंट की जरूरत है वहां पे गवर्नमेंट एज अ फेसिलिटेटर प्रोसेस को स्मूथ करने में लगा रहेगा तो ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वर मैंशनड इन द सर्वे सर्वे बहुत ही मुझे लगा ऐसा जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की सर्वे में तो बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आउट ऑफ द बॉक्स या कोई नया इनिशिएटिव या कुछ अच्छा लगा हो रादर वेरी एक मतलब मैक्रो व्यू प्रेजेंट किया गया है इकॉनमी का मैक्रो सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाया गया है ना वही ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता कहते है कहते हैं ना सावन का जो अंधा होता है उसको हरा दिखता है तो उसी टाइप से कुछ ऐसा था कि समथिंग लाइक दैट तो आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जिसके बारे में को डिस्कस करना है माइंड एंड स्टेट ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट तो यहां पर एक तो पहले मैं प्रलिम स्पेसिफिक आर्टिकल एक बता दू इसके अंदर इसके अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन एक का जिक्र किया गया है जो कि बहुत प्रॉबेबल है कि यूपीएससी आपसे पूछ ले ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यरप याद रखेगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरप तो ये ओ एस सी ई नाम की संस्था है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ तो ओ एस सी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप जो है इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑब्जर्वर स्टेटस स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस में इट हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशंस इट्स मैंडेट इंक्लूड्स इशूज सच एज आर्म्स कंट्रोल प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फेयर इलेक्शंस जिसका मैंडेट है वो इंक्लूड करता है आर्म्स कंट्रोल प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रीडम ऑफ प्रेस फेयर इलेक्शंस है ना एंड याद रखेगा कि ये बेसिकली सेक्रेटेरिएट है इसका वियना ऑस्ट्रिया में एंड 1975 कॉन्फ्रेंस हुई थी सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यरप याद रखेगा देर वॉज अन्वेंटी 1975 कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ हुई थी यूरप में हुई थी हेलसिंकी फिनलैंड में हेलसिंकी फिनलैंड में हुई थी 1975 में कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन येरप उसी के बाद इसका फॉर्मेशन जो है वो आया है एक्चुअली ओ एस क्या काम करता है ये अर्ली वार्निंग और कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन का काम करता है क्राइसिस मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं ना तो वो सारे काम करता है अर्ली वार्निंग कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिहेबिलिटेशन पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिहेबिलिटेशन ये सारे काम बेसिकली और ओ एस सी का ही है एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपोर्टेंट प्रेजेंटली इसमें फिफ्टी सेवन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं अब एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या इसमें सारे कंट्रीज यूरोपियन है नहीं इसमें कंट्रीज मोस्टली यूरोपियन है बट कुछ एशिया और नॉर्थ अमेरिका के भी मेम्बर्स हैं तो आई होप यू गोट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑर्गेजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरप दट इज द विच इज इम्पोर्टेंट अब आगे हम आते हैं तो इस आर्टिकल में जो बात कही गई वो बेसिकली अभी जो रिसेंटली नैटो और रशिया का डिस्प्यूट है वैसे मैंने कई बार आपको बताया है तो उसी के बारे में बता दूं 2008 में बुचारेस्ट नाटो का सम्मिट हुआ था दे वॉज अब इन बुचारेस्ट इन ये समिट जो था ये नेटो का बहुत इंपॉर्टेंट समिट था क्योंकि यहां पे जो जॉर्जिया और यूक्रेन है उनको मेंबरशिप देने की बात की गई थी अब रशिया मुझे अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रशिया का बहुत बड़ा इशू है फ्रॉम दिस थिंग रशिया को इशू क्यों है क्योंकि रशिया को ये लगता है कि ये जो नेटो है ये धीरे धीरे इसकी बाउंड्रीज में इंटर कर रहा है इट इज इंटरिंग इनटू द बाउंड्रीज ऑफ रशिया एंड वो चीज़ हो भी रही क्योंकि अगर आप देखें तो रशिया जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ है ना सो दैट इज हैपनिंग ऑल्सो एंड नेटो का आपको इशू पता है कि नेटो uh, अगर आप देखें तो नेटो की अगर एक कंट्री के ऊपर आप अटैक करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज एन अटैक

मेंबरशिप देनी पड़ेगी तो वो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है तो ये एक दोनों कंट्रीज के बीच में आ रहा है और रशिया जो है ऑलरेडी यूएसएसआर का लॉस देख चुका है रशिया हैज़ ऑलरेडी फेस द लॉस ऑफ यूएसएसआर और व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा एक मतलब कि वाटर शेड मूवमेंट था ये और वो कहते भी है कि जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो यूएसएसआर का बैकडाउन है है ना एंड दैट इज़ द थिंग वो फर्दर नहीं चाहते कि दोबारा वही चीज़ें हो और और अमेरिका क्या चाहता है कि अमेरिका चाहता है कि वो जो उसकी पास्ट ग्लोरी थी नाइनटीन के बाद की उसको किसी तरीके से वो वापस चाहता है एंड दोनों के अपने अपने एम्स हैं लेकिन अब ये देखना है कि कौन पुश बैक करेगा सो दैट इज द थिंग आगे मूव करते हैं टर्बुलेंस अहेड अब यहाँ पे जो बात है वो एयरलाइन टाटा एयरलाइन के लिए लिखा गया है ऑथर ने कहा कि रास्ता जो इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि आज कल जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर है वो सबसे ज्यादा जो फ्लाइट चल रही हैं वो बजट या लो कॉस्ट फ्लाइट्स चल रही है ना दे आर होल्डिंग अ डोमिनेंट पोजीशन कमांडिंग पोजीशन इन द मार्केट ठीक है ना तो कौन सी बजट और लो कॉस्ट फ्लाइट्स जो हैं वही मार्केट uh, को ओन कर रही हैं वही मार्केट पे रूल कर रही है तो ऐसे में टाटा ग्रुप को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और टाटा ग्रुप की फुल सर्विस वेंचर विस्तारा ऑलरेडी है विस्तारा इज ऑलरेडी देर तो जहाँ पे uh, टाटा ग्रुप फुल सर्विस वेंचर जो है विस्तारा यहाँ पे एक ऑलरेडी है और, और यही बोला कि किस तरीके से टाटा ग्रुप दोनों के बीच में मैनेज करेगा और किस तरीके से नए इम्प्रूवमेंट्स नए इनोवेशन लाएगा न्यू इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आएगा जिससे कि कॉस्ट को कम कर सके पैसेंजर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ कर सके पैसेंजर सर्विसेज को बढ़ा सके और फिर मार्केट में अपना डोमिनेंट पोजिशन गेन कर सके तो ये बहुत आसान नहीं होने वाला है बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस फंक्शनल चेंजेस आपको करने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल में चेंजेस करने पड़ेंगे वर्क एथिक्स में चेंज करना पड़ेगा देन ओनली यू कैन गेट दैट डोमिनेंट इसके साथ साथ आपको मार्केट इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा uh, आपको कॉस्ट इतनी ज्यादा ओवरशूट करके नहीं रखनी है कि आप केवल एक एलिट ग्रुप की एयरलाइन बन के रह जाओ यू हैव टू बी बिल्कुल कॉमन मैन एयरलाइन जिसमें कि uh, जो नहीं कमा पाता uh, वो भी जैसे मेरे हिसाब से मैं मैं प्रेफर करता हूँ एयर इंडिया वैसे मैं प्रेफर करता हूँ गवर्नमेंट uh, के कारण भी प्रेफर करता हूँ एयर इंडिया दैट इज़ वेरी वेरी गुड है ना आप बिल्कुल जब भी आप इसमें चढ़ेंगे इसकी सर्विस भी काफ़ी इंप्रूव हो गई है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर आप ट्रैवल करें तो एयर इंडिया से ट्रैवल करेंगे मेरा पर्सनल कुछ ऐसा नहीं है लेकिन आई वॉन्ट एयर इंडिया टू ग्रो अलॉट है ना तो दैट इज़ अ थिंग माई दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन और आगे का जो समय है वो और ज़्यादा कठिन होगा वैसे एयर इंडिया के लिए क्योंकि तो अभी आप तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको टाइमिंग लेनी पड़ेंगी स्लॉट्स लेने पड़ेंगे आपको अपनी एयरलाइंस के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे तो आप को स्लॉट्स प्रॉपर चाहिए कि भैया जो प्राइम टाइम वाली फ्लाइट्स हैं वो वाली फ्लाइट्स आपको चाहिए ना रात को एक बजे और दो बजे वाली फ्लाइट आपको ना दे दी जाए तो बेसिकली ये सारी चीज़ें और आपको एयर स्पेस अच्छा चाहिए है ना सो दैट इज़ अ थिंग इंटरनेशनल फ्रंट में भी एयर इंडिया फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस क्यों क्योंकि जो इसका बेसिकली एक तो कंट्रीज जो हैं वो अभी एलिजिबल अलाउ नहीं कर रही हैं है ना इंडियन ट्रेवलर्स को अलाउ नहीं कर रही कुछ कंट्रीज कुछ कंट्रीज में क्वारंटीन रूल्स हैं कुछ कंट्रीज में अभी एयर बबल चल रहा है तो अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट से वहां पे भी एक तो ऑलरेडी पैंडेमिक के कारण बहुत सारा चैलेंज है और पैंडेमिक के कारण ही डोमेस्टिक चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है जिनको कोप करना है केटर करना है ठीक है ना तो किस तरीके से आगे आने वाले समय में टाटा ग्रुप जो है वो किस तरीके से इनको डील करता है दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल ठीक है ना आगे मूव करते हैं देखते हो क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अ हेजी पिक्चर ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया तो ये आर्टिकल तो वैसे पूरा का पूरा गवर्नमेंट के प्रेज में लिखा गया है नीति आयोग के मेंबर हैं बिल्कुल अच्छे से लिखा है इन्होंने और इनका अकॉर्डिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट घट गया है जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें वुमेन का नंबर बढ़ गया है ये सब यही सारी चीज़ पता है पूरा आर्टिकल में यही लिखा है इन्होंने कि अनएम्प्लॉयमेंट घट गया है और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें वुमेन का नंबर जो है वो बढ़ गया है ठीक है ना सो so, बहुत ज्यादा हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे वाई आर टोमेटो एंड अनियन प्राइस फ्लक्चुएटिंग अब ये एक्चुअली सर्वे का है कल मैंने अगर आपने मेरा सर्वे का एनालिसिस देखा हो तो मैंने सेम यही क्वेश्चन आपको कल बताया था आई टोल्ड यू द सेम क्वेश्चन येस्टरडे क्योंकि ये सर्वे में एग्जैक्टली exactly यही लिखा हुआ है तो उसमें सर्वे में दो रीजन लिखे हैं दो रीजनस लिखे हैं टोमेटो के लिए जो यहाँ पे एक तो है सीजनल वेरिएशन सीजनल वेरिएशन फॉर टोमेटो ऑल्सो एंड सीजनल वेरिएशन फॉर अनियन ऑल्सो एक पहला रीजन है कि जो सीजनल वेरिएशन है बहुत ज्यादा है है ना और यहां पे दूसरा है प्राइस शॉक्स प्राइस शॉक जो यानी कि प्राइस डिमांड सप्लाई के कारण जब प्राइस शॉक होता है वो आपको देखने को मिलेगा ठीक है ना तो दैट इज इज द थिंग इंपॉर्टेंट एक तो प्राइस शॉक और दूसरा है आपका डिमांड जो सीजनल uh, वेरिएशन है, है ना मतलब प्रोडक्शन में भी वेरिएशन होता है प्रोडक्शन वेरिएशन होगा तो डिमांड सप्लाई में वेरिएशन होगा अब डिमांड सप्लाई में वेरिएशन होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपको देखने को मिलेगा है ना और शार्प इस, इस शार्प स्काई स्पाइक्स आपको देखने को मिल सकते हैं कई बार जैसे अनएक्सपेक्टेड प्राइस शॉक क्यों हुआ क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो प्राइस शॉक है वो बेसिकली क्यों हुआ क्योंकि ये दोनों पेरिशेबल कमोडिटीज हैं और अनसीजनल रेंज जो हुई या प्रोलॉन्ग ड्रॉट जो हुआ तो यहां पे आपको सप्लाई शॉक होगा जब सप्लाई शॉक आपको देखने को मिलेगा तो आपको प्राइस शॉक देखने को मिलेगा है ना दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ठीक है ना एंड सीजनेलिटी इन प्रोडक्शन एंड इनरेगुलर शॉक्स कंट्रीब्यू

भी नहीं बोला है सर्वे ने एंड इट इग्नोर द डिवाइड एट एज द रिच इज गेटिंग रिचर तेरह लाख करोड़ की इनकम बढ़ी है उनकी एंड पुअरेस्ट जो पंद्रह करोड़ हाउस होल्ड है उनमें रिडक्शन हुआ है फिफ्टी थ्री परसेंट का तो इन सब चीज़ों के बारे में सर्वे ने कुछ नहीं बताया कि पैंडेमिक में किस तरीके से रिच वॉज गेटिंग रिचर पुअर वॉज गेटिंग पुअर इसके बारे में नहीं बताया मैसिव जॉब लॉसेज एंड इरोजन ऑफ इनकम के बारे में नहीं बताया है ना तो इन सब चीज़ों के बारे में सर्वे साइलेंट रहा है दैट इज वॉट हैज बीन एलिगेशन ऑफ पी चिदम्बरम वॉज एंड दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एज वेल क्योंकि मुझे भी कहीं नहीं मिला अभी तो चार सौ समथिंग पेज का आई रेड यस्टरडे फिफ्टी टू एट्टी एट्टी पेजेस ऑफ दैट मैंने लेकिन अभी तक तो सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा है है ना तो दैट वाज द थिंग विच हैपन विद मी आल्सो मैंने लगभग सौ पेजेस कल पढ़े थे तो मुझे भी ऐसे ही लगा uh, आगे देखते हैं मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है तो आगे मूव कर सकते हैं आप uh, यहाँ पर अगला जो आर्टिकल है देखो यहाँ तो ऐसे कोई नहीं है इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन द फॉरेस्ट एरिया गेन तो फॉरेस्ट एरिया गेन में जो इंडिया की रैंकिंग है दैट इज इंडिया रैंक्स थर्ड एंड फॉरेस्ट फॉरेस्ट कवर ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ एरिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी हमारे यहाँ का ट्वेंटी फोर परसेंट चौबीस परसेंट एरिया फॉरेस्ट कवर करते हैं तो इंडिया हैज़ इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट एरिया इन द पास्ट डिकेड एंड रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन एवरेज एनुअल नेट गेन फॉरेस्ट एरिया 2010 से लेकर के 2020 तक जो एवरेज नेट गेन है उसमें तीसरी रैंक है हमारी 2010 से लेकर के 2020 तक के बीच में जो एवरेज नेट गेन है एनुअल नेट गेन है फॉरेस्ट एरिया का उसमें हमारी थर्ड रैंक है वर्ल्ड वाइड है ना तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा इन द एनुअल इकोनॉमिक सर्वे एनुअल इकोनॉमिक सर्वे में ही ये बात बोली है दैट इंडिया एनुअली एडेड एन एवरेज ऑफ टू लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया ओवर द पीरियड एंड फॉरेस्ट नाउ कवर्ड ट्वेंटी फोर परसेंट इंडिया का चौबीस परसेंट जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर करते हैं विच इज अकाउंटिंग फॉर टू परसेंट ऑफ द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया तो वर्ल्ड के टू परसेंट ऑफ द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरियाज इन इंडिया एंड टॉप टेन कंट्रीज जो है जो टॉप टेन कंट्रीज है उसमें आता है ब्राजील उसमें फिर आता है पेरू फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फिर आता है रशिया दे हैव बहुत ज्यादा मतलब इनका हाफ ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट दे हैव हाफ ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट तो उनका जैसे ब्राज़ील का लगभग फिफ्टी नाइन परसेंट एरिया फॉरेस्ट कवर है पेरू का फिफ्टी सेवन परसेंट फॉरेस्ट कवर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का फिफ्टी सिक्स परसेंट है एंड रशिया का फिफ्टी परसेंट जियोग्राफिकल है इंक्रीज की अगर हम बात करें एनुअल इंक्रीज की बात करें तो 2011 से, से कर 2011, दो हज़ार ग्यारह से दो हज़ार दस से लेकर के दो हज़ार ग्यारह यानी दो हज़ार इस वाले पीरियड दस साल के जो पीरियड में जो राइज हुआ है वो इंडिया में थर्ड हाइस्ट राइज है ठीक है ना दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट थर्ड हाइस्ट राइज है ये भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है ना एंड दैट वाज अ थिंग और यूएस बार का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का तो रिपोर्ट आया ही जिसमें हमने ये देखा कि आ, जो मैनग्रूव है वो भी बढ़ा है फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज हुआ है तो काफी अच्छा था इस बार का सर्वे भी हमने आपको बताया था है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में को डिस्कस करना है तो यहां पर तो ऐसा यहां पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको यूके की पार्टी गेट इंक्वायरी रिपोर्ट स्लैम्स द फेलियर्स ऑफ लीडरशिप तो एक रिपोर्ट आई है इंटू द क्लेम्स ऑफ लॉकडाउन ब्रेकिंग पार्टीज एट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ऑफिस पब्लिश एंड इस रिपोर्ट का नाम है फेलियर्स ऑफ लीडरशिप ठीक है ना फेलियर्स ऑफ लीडरशिप नाम की रिपोर्ट है जिसमें ब्रिटेन की यह रिपोर्ट याद रखेगा पार्टी गेट इंक्वायरी रिपोर्ट द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज पार्टी गेट इंक्वायरी रिपोर्ट क्या नाम है पार्टी गेट इंक्वायरी रिपोर्ट तो ये आप याद रखिएगा यूके से रिलेटेड है बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है लेकिन बस आप ये जानते रहे कि पार्टी गेट इंक्वायरी रिपोर्ट है किस कंट्री से रिलेटेड तो ये यूके से रिलेटेट रिलेटेड है ना तो ये लिख लीजिए आप अपने नोट्स में कोर सेक्टर्स की जो ग्रोथ है वो 3.8% के आसपास रही है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि क्रूड ऑयल और स्टील की ग्रोथ नहीं हुई है क्रूड ऑयल और स्टील को छोड़कर के बाकी जितने सेक्टर्स से हैं वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी तो क्रूड ऑयल और स्टील को छोड़कर के बाकी सब में ग्रोथ देखने को लिए अब कोर सेक्टर 8 होते हैं जिसमें कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस रिफाइनरी प्रोडक्ट फर्टिलाइजर स्टील सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आठ कौन कौन से हैं? कोल, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट फर्टिलाइजर स्टील सीमेंट इलेक्ट्रिसिटी ये आठ कोर सेक्टर्स है जिनमें क्वेश्चन कई बार पूछता है कौन सा कोर है कौन सा नहीं है तो याद रखेगा अनसीट्रल याद रखेगा याद रखेगा यूएन इसको अडॉप्ट करने की बात की जा रही है फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अब इंसॉल्वेंसी और ये तो बैंक्रप्सी आपको पता है ना इंसॉल्वेंसी बैंक मतलब कि जब कोई कंपनी मान लो किसी ने लोन लिया और वो नहीं चुका पा रही लोन तो उस कंपनी को इंसॉलमेंट कर दिया जाएगा है ना वैसे इंसॉलमेंट uh, कर दिया जाएगा उसके एसेट्स बेच दिए जाएंगे सब चीजें की जाती हैं तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को सॉल्व करने के लिए कोई अभी प्रॉपर है नहीं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को सॉल्व करने के लिए हमारा जो इंसॉल्वेंसी बैक्रप्सी कोड है वो भी कर, वो भी नहीं है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ज्यूरिस्टिक्शन तो है नहीं इसके अंदर तो ये अभी इतना ज्यादा वो नहीं है तो ऐसे में क्या किया जाए ऐसे में एक सजेशन दिया गया है कि भैया आप यूएन सिट्रायल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते यूएन सिट्रायल क्या है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इसको आप अडॉप्ट कर लो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आप अडॉप्ट कर लो फिर इसके अकॉर्डिंग ही आप इन जो इंटरनेशनल क्रॉस वॉटर इंसॉल्वेंसी उसको सॉल्व कर लेना तो ऐसा सजेशन सर्वे ने मेंशन किया है लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ साथ आप इनको मतलब कि अडॉप्ट करिए विद सम मॉडिफिकेशंस कीपिंग कीपिंग इन माइंड इंडिया है ना आपको ये करना है तो यूएन यु, सिट्राल की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ क्रॉस बॉर्डर एंड सोलवेंसी मैकेजम नाइनटीन में ये इमर्ज हुआ था एज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड लीगल फ्रेमवर्क टू डील विद क्रॉस बॉर्डर एंड सोलवेंसी तो क्रॉस बॉर्डर एंड सोलवेंसी इशूज के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली लीगली अडोप्टेड ये मैकेनिज्म है याद रखेगा यू एन सीट्रॉल दैट इज़ द मोस्ट लीगली एक्सेप्टेड इंसॉल्वेंसी मेकैनिज्म फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इसका फुलफॉर्म एक यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ और अडोप्ट किया है इसको फोर्टी नाइन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है और इसमें सिंगापुर यू के यू एस साउथ अफ्रीका कोरिया सारी कंट्रीज़ हैं तो इनको फोर्टी नाइन कंट्रीज़ ने जिसमें कि मेजर कंट्रीज यू के यू एस ए साउथ कोरिया साउथ अफ्रीका एंड कोरिया ये

सेंटर हैज अडॉप्टेड एमएसपी बट स्टेट मस्ट फैसिलिटेट क्रॉप शिफ्ट अब यहां पे अर्जेंट नीड बताई गई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सर्वे ने यह भी बताया कि भैया आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप यू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम और अपनी आपको इनकम बढ़ानी यही करना तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक सजेशन दिया गया है एमएसपी के बारे में आपको पता है एमएसपी कोई स्टेट्यूटरी तो है नहीं गवर्नमेंट इसको अनाउंस करती है टाइम टू टाइम पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सी एस सी पी याद रखेगा एमएसपी का रिकमेंडेशन कौन देता है कमीशन ऑफ on... फॉर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस और इसको फाइनली uh, जो अनाउंस करता है कौन करता है यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं वो इसको अनाउंस करता है इसके अंदर क्रॉप्स जो कवर्ड है उसमें सीरियस में सात है पैडी वीट बार्ले ज्वार बाजरा मेज रागी पल्स में पांच है ग्राम अरहर या तुअर मूंग उड़द एंड लेंटिल ऑयल सीड्स में आठ है ग्राउंड रेपसीड मस्टर्ड तोरिया सोयाबीन Raw raw न को मिलता है वर्जीनियार्ड टोबैको एंड दैट इज दूव कौन करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर याद रखेगा एंड एफ आर पी इज गिवेन फॉर शुगर केन जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया तो ये कुछ चीजें आप याद रखेगा अब एक और मुद्दे पे आते हैं जो अभी चल रहा था लेजिस्लेश पावर की सस्पेंड करना जो मेंबर को तो आज मैंने एक चीज आपको बताई ना कि स्पीकर के पास पावर है कि वो किसी मेंबर को पूछ सकता है भैया कि आप विदड्रॉ कर लो हाउस से पूरे दिन के लिए या फिर उसको सस्पेंड कर देगा लेकिन अगर सस्पेंड कर देगा तो फिर वो उसके पास पावर नहीं कि उसको दोबारा रिवोक कर सके उसके लिए फिर एक मोशन लगेगा ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली जो रूलिंग दी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि भैया एक तो रूल फिफ्टी है रूल फिफ्टी कहता है कि आपको पनिशमेंट

बहुत ही इरेशनल और ग्रॉसली इलीगल हो जाता है क्योंकि आप उस जो कंस्टिट्यूं उसको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे हो इसके अलावा सस्पेंशन बेसिकली और ज्यादा uh, बड़ा कॉन्सिक्वेंस है क्योंकि इसमें आप बाई इलेक्शन नहीं कर सकते इसमें आप मतलब बाई इलेक्शन भी छह महीने के अंदर हो जाना चाहिए उस वो सीट भी छह महीने के अंदर भर जाती है लेकिन ये तो भैया जब तक सस्पेंड है तब तक सस्पेंड चल रहा है और ऐसे में uh, जो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया आर्टिकल वन नाइनटी ना आर्टिकल 190 का सेक्शन फोर उन्होंने कोर्ट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई कुल मिलाकर के जो आपका आ, कोई मेंबर है वो साठ दिनों से ज्यादा मिस नहीं कर सकता तो साठ दिनों से ज्यादा तो वो मिस ही नहीं कर सकता अदरवाइज तो सीट वैकेंट कहलाएगी तो आपने किस तरीके से उसको कौन सी पावर लेकर के आपने उसको इस तरीके इतने दिनों तक के लिए आपने उसको बंद करके रखा है या उसको सस्पेंड करके रखा है तो आर्टिकल वन का भी ये वायलेशन है और ये इेशनल इलॉजिकल भी है जो चीज़ उन्होंने तो आर्टिकल वन क्लॉज फोर आप याद रखेगा इट सेज दैट हाउस कुड डिक्लेयर सीट वैकेंट इफ मेंबर इज एब फॉर डेज। ये इसको कॉन्ट्रडिक नहीं कर सकते और सेशन की से तो बिल्कुल ये, uh, गलत हो जाएगा दैट इज आई होप यू गॉट क्लैरिटी एक लास्ट नाम आप याद रख लो जस्टिस स्टीफन ब्रायर का नाम याद रखना एंड हीउंस डेट ही एट द करेंट टर्म ऑफ द कोर्ट तो यूएस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हैं स्टीफन ब्रायर ये रिटायरमेंट की बात बोली तो स्टीफन ब्रायर का नाम बस याद रखना कि कौन है किस फील्ड से लोकेटेड है सो दैट इज द थिंग दैट इज इट फॉर द डे कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे